जॉब से रिगार्डिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस करें अपने मोबाइल पर लेटेस्ट जॉब पाने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होगे और मैं भी सही हूँ। आज जो हमारे पास में रिक्वायरमेंट है, काफ़ी बेहतरीन रिक्वायरमेंट है और ये जो है सऊदी अरब से है। अगर आप सऊदी अरब जाना चाहते हैं तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा और डायरेक्टली आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिलेगा। 2 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। जैसे कि आपने थंबनेल टाइटल वगैरह देख लिया होगा, ये आपको मॉल क्लीनिंग का काम मिलेगा। इंडोर मॉल क्लीनिंग का काम है ये और इसमें कोई भी बंदा अप्लाई कर सकता है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, जैसे भी हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपको काम करना रहेगा वो साफ़ सफाई का काम करना रहेगा। पूरी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर में जब भी जॉब से रिगार्डिंग वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसका लाभ ले पाएँ। और वीडियो को अगर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपकी वजह से किसी भी भाई बंधु को जॉब मिल सके और वो अपनी लाइफ सेट कर सके। तो फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो आपकी कमाई है काफ़ी अच्छी होने वाली है। इसमें आपकी सैलरी जो है बेसिक सैलरी वो कम लगेगी, लेकिन ऊपर की कमाई काफ़ी अच्छी हो जाती है इसके अंदर, मॉल क्लीनिंग के अंदर, और ऊपर की कमाई भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। और बात करें इसमें आपकी फ़्लाइट तो है, बहुत जल्दी इसमें आपका काम रेडी हो जाएगा। अब इसके लिए आपको डायरेक्टली किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स आप भेजें, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स भेजें, उसके बाद में डायरेक्टली दिल्ली आएँ। दिल्ली आने के बाद में अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करें, मेडिकल कराएं, तुरंत आपका इसमें काम हो जाएगा। लेकिन एज जितनी मैं आपको बताऊंगा वो एज आप देख लेना, एज आपकी 21 से 32 साल के अंदर होनी चाहिए। 32 से ऊपर इसमें कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो उस चीज़ का खास करके ध्यान रखिएगा। और मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे भाई बंधु ऐसा करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स जो है खाली फ़ोटो खींचते हैं भेज देते हैं, तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह से डॉक्यूमेंट्स ना भेजा करें। अगर उनसे बोला जाए कि भाई पीडीएफ फाइल बना के भेजें, तो बहुत सारे भाई बंधु ऐसे होते हैं कि फ़ोन से ही आप फ़ोटो खींचेंगे और फ़ोन से पीडीएफ बना के भेजते हैं, तो वो नहीं चाहिए हमें। आपका जो चाहिए कलर स्कैन चाहिए और जो है वो आपका कंप्यूटर वगैरह से स्कैन होना ज़रूरी है, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अगर इस तरह से आप डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं चल पाएंगे। अब बात करते हैं जो हमारे पास में रिक्वायरमेंट है उसकी बात कर लेते हैं, और ये काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है। मॉल क्लीनिंग हेल्पर का काम है और सॉरी लेबर का काम है। इसमें आपको इंडोर क्लीनिंग का काम मिलेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिए, इंडोर क्लीनिंग का काम मिलेगा, आउटडोर का इसमें कोई भी काम नहीं है। और इसमें अप्लाई करने के लिए आपको कंपनी जो आपको प्रोवाइड कर रही है अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है। अदर बेनिफिट जो हैं आपको सऊदी के लेवलों के हिसाब से दिए जाएंगे। और इसमें जो ड्यूटी रहेगी आपकी 10 घंटे की रहेगी, 10 घंटे की, और इसी के अंदर ब्रेक और लंच वगैरह सारी चीज़ इसी के अंदर इंक्लूड है 10 घंटे के अंदर, ठीक है। ड्यूटी तो आपकी 9 घंटे करीब रहेगी, बाकी आपका ये लंच वगैरह जो है ब्रेक वगैरह इसी के अंदर इंक्लूड है, तो इसलिए आपकी ज़्यादा ड्यूटी है। तो इसमें ओटी भी आपको दिया जाएगा, लेकिन वो सऊदी के लेवल लोग के हिसाब से है, कितना कंपनी आपको देगी, क्या करेगी, वो सारी चीज़। और ये सऊदी अरब में जद्दा का काम है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपकी जो सैलरी रहेगी बेसिक सैलरी वो रहेगी 900 रियाल, ठीक है। जो चीज़ मैंने आपको बताया वो कंपनी आपको सारी चीज़ प्रोवाइड करेगी। अदर बेनिफिट्स जो है आपको कंपनी के लेवल लोग के हिसाब से प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर कोई भी कैंडिडेट मॉल के अंदर क्लिनिक में जाना चाहता है तो वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है और अदर इन्फॉर्मेशन हमारे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके ले सकता है और डायरेक्टली कॉल भी कर सकता है। तो और टाइम जो दे रखा है नीचे उसी के रिगार्डिंग आप कॉल करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उस और व्हाट्सएप आप हमेशा कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको हमेशा से रिस्पॉन्स देंगा। और कोई भी इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं तो वो आप हमसे ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें, ताकि काफ़ी सारे लोगों की हेल्प हो सके, वो अपनी लाइफ सेट कर सकें, जाके बाहर अपनी लाइफ को सेट कर सकें। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो क्या वीडियो में क्लियर करनी ज़रूरी होती है, जैसे डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड, डॉक्यूमेंट्स जो हैं आप इस तरह से डॉक्यूमेंट्स देते हैं कि उनका कोई किसी भी काम में वो अप्लाई ना हो पाएंगे। तो प्लीज़ मैं यही कहूँगा आपसे, डॉक्यूमेंट जब भेजें तो सही तरीके से आप डॉक्यूमेंट्स स्कैन करा के भेजे करें। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।